चाचू के शादी पे सब बच्चे सब बहुत खुश हैं अपनी बेटी की शादी से। जी मेहमानों का इस्तकबाल हो गया है, बहुत शुक्रिया भाभी। तमाम मेहमानों का जो यहाँ हमारी खुशी में शरीक हुए हैं, मेहमान क्या हैं, ये हमारे घर के सब लोग बेशक बेशक, और हमारे बुजुर्ग भी हैं, हमारे भाई भी हैं, हमारे भतीजे और बच्चे हैं जी, हमारे अच्छे दोस्त हैं बेशक, तो शुक्रगुजार हैं। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे इलाहिया, और उन्होंने हमारी खुशियों में दोबारा कर दिया कि अपनी खुशियाँ इन्होंने चार चांद लगा दिया है, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह पाक सलामत रखे आपको भी और हम सब 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 दोस्तों को। ये जो भी खाना बना है आपको वीडियो के थ्रू नजर आ रहा है, ये मिसेस मुजम्मल और मुजम्मल ने खुद तैयार किया है। माशाल्लाह देखने में देखिए कितना खूबसूरत है, माशाल्लाह खाने में भी बहुत मज़े का होगा। मैं अभी आपको घर की भी वीडियो बना के दिखाती हूँ। हम इससे पहले एक वीडियो दे चुके हैं जिसमें सफदर के अपना सैफ की सालगिरह का जो है वो मुजम्मल साहब ने यहाँ खाने का है जो है वो इत्तमाम किया था, तो वो भी खाना जो है वो जायके से भरपूर और बहुत सारा ग्रिल और बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना प्लेट की दी। बहुत शुक्रिया, किसी मोमिन जी अच्छा है ना, इस दफ़ा मुजम्मल साहब के बड़े लड़के की शादी का जो है ये फंक्शन हमने यहाँ थोड़ा बहुत किया है जी, कि हम लोग तो परदेश में हैं अभी, शिरोज हमारा बेटा पाकिस्तान में है जिसकी शादी है, ये उसके डैडी हैं मेरे छोटे भाई, ये बड़े डैडी और क्या नाम है ना, हमारी होने वाली बहू जो है वो भी पाकिस्तान में है, तो ये अंकान जाएंगे, पूरी फैमिली पाकिस्तान जाएगी, और बाकी का जो इत्माम है फंक्शन है वो पाकिस्तान में जो है बाकायदा इंशाल्लाह से जो जितने मामलात हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान में जैसे आपने हुक्म दिया था उसी के मुताबिक हमने जो है ना तरतीब दी है, और इंशाल्लाह ताला इस बात का हमें है कि इस दफा मियाँ साहब जो है वो किसी खूसी मिसाइल की वजह से वो पाकिस्तान नहीं आ रहे, वरना मियाँ साहब हर मेरे साथ हैं, बेशक सब कुछ जो है ये मेरे साथ है 24 घंटे के लिए, और
मेरा कोई ऐसा पल नहीं है जिसमें मियां साहब ने मुझे जो यानी शफकत से जो महरूम रखा। बेशक इसमें कोई शक नहीं है। हो चले हैं तो मैं अगर यहाँ पर हूँ तो मैं अपने भाई साहब की और अपने वालिद साहब मियां अब्दुल लतीफ की वजह से। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। इसीलिए आज माशाल्लाह ने बहुत सारी नेमतों से घर में आपके फरमान बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, आपका घर बार जो भी है, आपके दोस्त अहबाब, आप शायर हैं, बड़े अच्छे शायर हैं। बहुत मेहरबानी की सब, ये आपका हवाले से भी जो है, ये भी आपका देन है हमें। भाई हो ना एक तरफ, वो तो एक रिश्ता है कुदरत की तरफ से, लेकिन मुजम्मल साहब शायर हैं। एक लफ्ज़ में मजीद कहूँगा कि मियां साहब मेरे लिए एक दुनियावी और इल्मी यूनिवर्सिटी की हैसियत रखते हैं। मैं बड़ी बचपन में यानी लड़कपन में यहाँ आ गया था, मैंने मैं कुछ इस तरह का वो मोल मटोल बोला सा था जिसमें से बहुत सारे रूई के धागे निकले हुए थे, तो वो सारे के सारे आहिस्ता आहिस्ता सिलते हैं। मैंने बहुत कुछ सीखा है मियां साहब से और मुझे जिंदगी का पता चला है कि जिंदगी के उतार चढ़ाव कैसे होते हैं और फैमिली खानदान में कैसे मामला को तय करते हैं और जिंदगी कैसे लेके चलते हैं, क्योंकि जिंदगी किसी ने कहा था कि जिंदगी पैदा होना इस दुनिया में इतना मुश्किल नहीं जितना इस दुनिया में रहना मुश्किल। मियां साहब ने बताया है और आज देख लें कि मैं आज शादोबाद हूँ। बेशक हमेशा अल्लाह रखे इसी तरह बात आपको, हमेशा इसी तरह अल्लाह ताला जो है वो खुशियों से नवाजे। फिर उसका साया और मौला पंचन पाक का जो है वो नजर करम आप लोगों पे, हम लोगों पे, जहाँ जहाँ उम्मीद है उन पर हमेशा के लिए रहे। हमारे बच्चे जो कल को एक नए बंधन में बंधने वाले हैं उन्हें अल्लाह पाक जो है वो खुशियाँ नसीब करे। हर लिहाज से वो इस दुनिया में एक नेक और साले इंसान होने के नाते से और नेक और साले वालदैन होने के हवाले से जो है वो अपनी ज़िंदगी जो है वो एक मिसाली ज़िंदगी जो है वो गुजारे। हमारी दुआएं उनके साथ हैं इंशाल्लाह। तो ये जो सिलसिला है इसका आगाज भी मियां साहब से हुआ था और ये सिलसिला आगे चल भी मियां साहब की सरकर्दगी में रहा है। आज आज अपने मियां साहब के मौजूदगी में ये सारा प्रोग्राम किया है और ये मिसाल जो है खूसी तौर पर ये मियां साहब की तरफ से, ये हमारे भाई बड़े भाई की तरफ से है। जी अब हम सबको मुजम्मल ने दावत दी है कि जी खाना बिल्कुल तैयार है, इससे पहले कि खाना ठंडा हो जाए मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं कटिंग की, सब आपको मैंने वैसे ही दिखा रही हूँ जो बल्कि चटनी ये कौन कौन क्या क्या ले रहा है ये मैं देख रही हूँ, बल्कि दिखा भी रही हूँ। ये बिलाल और सैफ है और ये दोनों खाने के लिए तैयार है, तो मैं खाने के सामने खड़ी हूँ कि सारे काले पीले इनको खिलाऊंगी। ये हमारी शनाया है माशाल्लाह और मामा ने उसको उठाया हुआ है, मामा की सूट का कलर बड़ा प्यारा है, खूबसूरत भी लग रही है। नहीं ये देखें जी जहाँ जैसे मुमकिन हो सके सब घर सजाया है मुजम्मल ने। ले जी मैं अपने लिए तो खाना ले आया।
मैम बैठ जाओ, बिल्कुल आ जाओ, नहीं बैठ के ना दिल पूरा साल पहले दस रहे
तेरा वाल बनने को आवो रंग लागा रंग लागा रंग लागा सुपने की आड़ सानों इंद्रानियां का शुक्र
सर पे सेहरा जो शहरोज के सजाया है, जो सर पे सेहरा जो शहरोज के सजाया है, मदीने वाले की रहमत का इस पे साया है। ये सर पे सेहरा जो शहरोज के सजाया है, मदीने वाले की रहमत का इस पे साया है। हसीन इतना है सेहरा इसमें चेहरा तेरा, हसीन इतना है सेहरा कि इसमें चेहरा तेरा, फलक के चांद की तरह से मुस्कुराया है। हसीन इतना है सेहरा कि इसमें चेहरा तेरा, फलक के चांद की तरह से मुस्कुराया है। और ये शेर जो है ये करीब करीब गजल का, गजल के मिजाज का है। ये वफा के ताक में दिन रात यूं ही जलता रहे, वफा के ताक में दिन रात यूं ही जलता रहे, दिया जो तूने मोहब्बत का एक जलाया है। दिया जो तूने मोहब्बत का एक जलाया है, और हर एक शख्स खुशी से नहाल हो जैसे, हर एक शख्स खुशी से नहार हो जैसे, लतीफ कितनी दुआओं से दिन ये आया है। वाह 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 वाह, लतीफ कितनी दुआओं से दिन ये आया है। और तुम्हारी माँ की दुआ बाप की मोहब्बत से,
तुम्हारी आखिरी शेर है कि तुम्हारी माँ की दुआ बाप की मोहब्बत से खुशी का दिन तेरा रब ने हमें दिखाया। वाह वाह बहुत अच्छा। हसीन इतना हसेरा कि इसमें चेहरा तेरा फलक के चांद की तरह से मुस्कुराया। बहुत अच्छा। चले सही है सर।